अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीटीवी एनएन के साथ मैं हूँ किरण खान। आया नज़र डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। करीना तबो कृति की फिल्म क्रियू ने 2 दिन में कितने पैसे कमाए। सीडीए एहलकारों का ऑपरेशन शहरी सरापा एहतजाज। हज़ारों गैर मुल्की गदा कर मक्का मुकरमा पहुँच गए। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर तब्बो और कृति सैनन की फिल्म क्रियो की रिलीज़ को 2 दिन मुकम्मल हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर राजेश हैं और ये फिल्म 29 मार्च को रिलीज़ हुई थी। इस कॉमेडी फिल्म में करीना कपूर, तब्बो और कृति ने पहली मर्तबा एक साथ काम किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन जुम्मे को भारत में 100 करोड़ 28 लाख भारतीय रुपये का बिजनेस किया था, जबकि दूसरे दिन फिल्म ने 9.6 करोड़ कमा सकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आने वाले दिनों में इस फिल्म के मजीद कामयाब होने की उम्मीद है। फिल्म क्रियो की कहानी 3 सहेलियों के गिर्द घूमती है जो कोहिनूर नामी एयरलाइंस के लिए कैबिन क्रियू मेंबर्स के तौर पर काम करती हैं। हज़ारों गैर मुल्की गदागर सऊदी शहर मक्का मुकरमा पहुंच गए। डायरेक्टर इदारा अमने आमा के मुताबिक गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 4,345 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया। हज़ारों गैर मुल्की गदागर मक्का मुकरमा पहुंच गए। हज़ारों गैर मुल्की गदागर सऊदी शहर मक्का मुकरमा पहुँच गए। डायरेक्टर इदारा अमने आमा के मुताबिक गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 4,345 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया। मस्जिद अल हराम और मुकामात पर महकमा इंसदादे गदागरी की टीमें भी तायनात कर दी गई हैं। इलावा अजीज सऊदी अरब के महकमा अमन आमा ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि वो पेशावर गदागरों को हैरात ना दें। सीडीए एहलकारों का ऑपरेशन शहरी सरापा एहतजाज। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के इंतजामी इदारे सीडीए के एहलकारों की जानिब से घर की चार दीवारी गिराए जाने पर शहरी सरापा एहतजाज। गुज़श्ता रोज़ एहलकारों ने हाजी सुलेमान नामी रिहायशी के घर की चार दीवारी गिरा दी, जिस पर मजकूरा शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसने एहलकारों को मंथली या भत्ता देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। शहरी ने सिकंदर नामी एक सीडीए अहलकार के हवाले से इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कहा कि अहलकार की ड्यूटी अपारा सेक्टर में है, लेकिन इसने कार्रवाई हमारे इलाके में कैसे कर दी। मुतासर शख्स का इस हवाले से क्या कहना था, आइए सुनते हैं। साथ रमजान मुबारक के दौर में जो वाकया पेश आया, हम उस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम हाजी सुलेमान। जी अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने अरसे से बैठे? मैं इस जगह पे सन 1970 से आया हूँ। ठीक है। सन 70 पे ये जगह मुझे कोयले और लकड़ी के ताल के लिए इलाज हुआ था, और बस उस वक्त मैं ये लकड़ी का कोयले का कारोबार कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन कुछ अरसा पहले ये सीडीए ने ये तमाम इलाके कैंसिल कर दिए। उसके बाद फिर हम मेयर इस्लामाबाद जो था बल्दियात का मेयर था, सालों के वक्त की शक्ल में मिले, तो उसने दोबारा बाली के आर्डर कर दिए। ठीक है। लेकिन बाली के आर्डर करने के बाद जो है वो फाइल अब पता नहीं किधर पड़ी है, हमने तो काफ़ी ढूंढा मगर वो नहीं मिला। ठीक है। तो ये जो है कच्ची आबादी का मसला है जी 71 में, तो ये सबने जी 71 की जो कच्ची आबादी है ये जरा दिखाएं जी साहब। अच्छा, उसमें तकरीबन जो है ना चार चार मंजिला जो है वो लोगों ने बनाई है, और वो सामने मौजूद है, वो नजर आ रहे हैं। और ये दिन और बड़े बड़ा डाल के और अच्छी तरह जो है ना वो करके वो बन रहे हैं। ठीक है। तो वो मेरे एक छोटा सा सैन मेरा बना हुआ था, ये तकरीबन पुराना था, इतना नया था भी नहीं। ठीक है। तो कल जो है ना वो एक सीढ़ी का एक एहलकार आया। अच्छा। मैं उसको जानता हूँ भाई से। ठीक है। बाद में मालूम हुआ तो नाम का नहीं पता आप? जी सिकंदर नाम है। ठीक है। तो उसने बोला कि भाई ये तो वो सिकंदर, मैंने उसको इखलाकन कहा, मैंने कहा यार ऐसा है चलो अफ्तारी के लिए 2,000 रुपए अगर आपको चाहिए तो मैं नहीं, मतलब ये सिकंदर ने आपसे पैसे मांगे? पैसे मांगे किस हवाले से, क्यों मांगे? आपने ये दीवार बनाई। अच्छा, दीवार आपने बनाई। तो मैंने कहा ये पुरानी दीवार है, ये नई दीवार। अच्छा, तो सिकंदर आपके पास पहले भी आता रहता है, पता है आपको उसकी ड्यूटी कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि सिकंदर जो है ये एहलकार, नाम नेहाद एहलकार, अफसरान की कुश्त पनाई करने वाला और अफसरान को जो है ना वो मंथनियाँ देने वाला, इसकी ड्यूटी बेसिकली अपारा सेक्टर में होती है।
तो ये कल यहाँ पे, क्योंकि चूंकि ये रमजान का मुकदस महीना है, इसमें जो है ना ये लोग भूखे हो जाते हैं, इनको शायद जो है ना वो खाने को नहीं मिलता या मर जाते हैं, तो ये जो है ना वो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में यहाँ पे आया और हाजी साहब से आके जनाब उसने मुतालबा किया। हाजी साहब कितने पैसों का मुतालबा किया? नहीं, उसको मैंने इखलाकन कहा कि चलो रोजे का महीना अफ्तारी के लिए 1-2 हज़ार रुपए मैं आपको इखलाकी देता हूँ, मतलब रिश्वत नहीं, चलो एक अफ्तारी के लिए। उन्होंने कहा जी ये तो हजारों की बात नहीं है, ये तो आप लाखों रुपए करेंगे तो सब जाके ये होगा। तो मैंने कहा जी मुझे लाखों तो छोड़ो, मेरे पास तो 30,000 की नहीं है, सीधी बात है, ना मैं दे सकता हूँ, ना मैं देता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना वो गाड़ी आई, तो उससे भी मैंने काफी रिक्वेस्ट किया जो तोड़फोड़ कर रहा था, उसने कहा मैंने किसी का भी नहीं मानना है, बस बिल्कुल नीचे तक। उस बंदे को आप भाई नेम जानते हैं या भाई फेस सामने आएगा तो पहचान जाएंगे? जिसको आपने ये कहा था कि इसको नहीं तोड़ो, उसने कहा जी मैं किसी की नहीं मानूंगा? मैंने उसको तो मैं जानता हूँ, वो सिकंदर ही था या और? ठीक है, सही है। अच्छा, सजावल सुपरवाइजर, काफी रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा ऐसे नहीं करो, नहीं करो, ठीक है। अब जहर उनके साथ जोर तो हो नहीं सकता था, मैंने कहा जोर करके बदील होता है, ठीक है, इससे बेहतर है रिक्वेस्ट कर लो अगर बात गया तो, ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये जो सिकंदर नामी शख्स है, इसने वहाँ जो अपारा ये जो ड्यूटी कर रहा है वहाँ पे अपने ही देखते रहिए DTV आनंद, ACTV USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 2000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter and much more. Give your zakat today at hhrd.org/ramadan.